इसी के साथ मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास कि आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ बेहतर और जबरदस्त सीखने को मिलेगा। तो इसी विश्वास के साथ हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मुझे पूरा भरोसा कि आज आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। तो थैंक यू ऑल डियर पार्टिसिपेंट्स। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन था, ये नए जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बीच में आए हैं, जो नए लोग हमारे बीच के बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, इनको क्या जानना जरूरी है, क्या चीजें हैं जो जानने के लिए बहुत जरूरी है नए लोगों को, नए डिस्ट्रीब्यूटर को जो अपॉइंटेड अभी अभी हुए हैं, जो अभी अभी डीएक्सएम को ज्वाइन किए हैं, इनको क्या समझना बहुत जरूरी है, या हम सभी को क्या समझना जरूरी है। अगर ये बेसिक बातें अगर हम समझ जाते हैं, ये साधारण बातें अगर हम समझ जाते हैं, तो हम अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बढ़ा सकते हैं, या उस बिजनेस में बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। तो हमको सिर्फ डिएक्शन क्यों करना है, या सिर्फ डिएक्शन के बारे में ही सोचना है, ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत सारे दोस्त, लीडर्स, भाई ऐसे हैं जो अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं, अलग अलग चीजों को कर रहे हैं। तो हम सभी को सिर्फ डिएक्शन क्यों करना है, या सिर्फ डिएक्शन के बारे में क्यों जानना है, या इसी को क्यों आगे बढ़ाना है, इसके विषय में जानने के से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री क्या है। अगर ये आप समझ जाते हैं, तब आपको डिएक्शन समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री समझ जाते हैं, इसका भविष्य समझ जाते हैं, इसका फ्यूचर अगर आप समझ लेते हैं, तो आपको डिएक्शन समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, इसका भविष्य क्या, अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं दोस्तों, इसके विषय में अगर थोड़ा सा बात करते हैं, तो वेलनेस इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत इस दुनिया का बहुत बड़ी बिजनेस है वेलनेस इंडस्ट्री। अगर इसको बात किया जाए, इसके विषय में अगर बात किया जाए, तो वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो फार्मा इंडस्ट्री से लगभग 3 गुनी बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब फार्मा इंडस्ट्री के बारे में आप लोग जानते हैं, जहाँ दवाइयाँ का कारोबार होता है, जहाँ डॉक्टर्स का कारोबार होता है, जहाँ मेडिसिनल कारोबार होता है, उसको कहते हैं फार्मा इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो जो फार्मा इंडस्ट्री होता है उससे भी 3 गुना बड़ी है वेलनेस इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके गाँव में, आपके शहर में, आपके बाजार में जो डॉक्टर यहाँ लाइन लग रहा है, वो है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और आपके सामने जो आज बहुत बड़ा मौका आया है, वो है वेलनेस इंडस्ट्री, उससे भी 3 गुना बड़ी है आपका फार्मा, ये इंडस्ट्री, ये वेलनेस इंडस्ट्री। और इसको अगर बेहतरीन से समझना है, इसको एक बेहतर ढंग से समझना है, इसको बेहतरीन तरीके से अगर आपको जानना है, तो आपको जानना पड़ेगा पॉल्जर पिल्जर के बारे में। पॉल्जर पिल्जर अमेरिका के 2-2 बार फाइनेंस एडवाइजर रह चुके एक बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि आज तक इन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की है, जितने भी चीजों के बारे में इन्होंने बताया, आज तक एक भी भविष्यवाणी फेल नहीं हुआ। 1990 के दशक में इन्होंने बताया था कि इंटरनेट का जमाना आएगा, और जिसने भी इंटरनेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, आज वो बिलियनियर है। और इन्होंने बहुत सारा भविष्यवाणी ऐसा किया था, उन्होंने ये इंटरनेट का भविष्यवाणी भी किया था, आईटी सेक्टर का भी भविष्यवाणी किया था, मतलब तरह तरह की भविष्यवाणी उन्होंने किया था। और जिसने भी उनके भविष्यवाणी के साथ अपने आप को मतलब चेंज किया, अपने आप को समझा, उस कैरेक्टर को समझा, उसको आगे बढ़ाया, आज वो बिलियनियर है। चाहे वो बिल गेट्स हो या फिर और कोई भी, मतलब ये ऐसे शख्स हैं जो पूरी भविष्य में क्या होगा, क्या आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसके बारे में ये बताते हैं। और इनका जो ब्रेन है, बहुत ही हाई टेक ब्रेन है दोस्तों, बहुत ही मशहूर व्यक्ति है ये पॉल्जर पिल्जर। 2-2 बार अमेरिका जैसे राष्ट्र का फाइनेंस एडवाइजर होना कोई मामूली बात नहीं होता था। और इनकी भविष्यवाणी, आपका जो 2010 के बाद जो भविष्यवाणी इन्होंने बताया था, वो है वेलनेस रिवोल्यूशन, स्वास्थ्य क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। आप जब इसको समझेंगे ना, तब आप समझ पाएंगे वेलनेस इंडस्ट्री क्या है। इनका किताब जरूर पढ़िए आप सभी लोग, आप सभी बहुत सारे लोग ऐसे इस किताब के बारे में जानते, इसको कंप्लीट पूरा पढ़ लीजिए। वेलनेस इंडस्ट्री इंग्लिश में है, और आपका जो हिंदी होगा वो है स्वास्थ्य क्रांति। इस किताब को अगर आप पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, इसका भविष्य क्या है, और इससे आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। आइए हम आपको इसको थोड़ा सा बात करते हैं वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। वेलनेस इंडस्ट्री का पहला काम है लुक बेटर, आप एक अच्छा दिखे, आप स्मार्ट दिखे, आप हैंडसम दिखे। इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है स्मार्ट, हर व्यक्ति चाहता है हैंडसम दिखना, हर व्यक्ति चाहता है वो अच्छा दिखे,
हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको लोग अच्छी कमेंट करें, अच्छे बात करें, उसका पहनावा, उसका मतलब हर वो चीज होता है अच्छा दिखने के लिए। पूरी दुनिया पैसा खर्च करने वाली, पूरी दुनिया आज पे खर्च करती है, करोड़ों अरबों रुपया इस पे खर्च हो जाता है दोस्तों, अच्छा दिखने के लिए। दूसरी चीज है स्लो डाउन एजिंग, मतलब जो हमारी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से आज लोगों का उम्र बढ़ रहा है, उस उम्र को जो है ना घटाने में, आपकी उम्र तो घटे, आपकी उम्र तो चाहे आपका बुढ़ापा भले आए मगर बहुत देर बाद आए। और हर व्यक्ति स्लो डाउन एजिंग से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। कुछ लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छा खान पान में ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज में जाते हैं, जिम में जाते हैं, क्योंकि उम्र को रोकने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक जवान दिखे। तो आज का दुनिया जो है अच्छा दिखने के लिए, उम्र को घटने से रोकने के लिए, इट मीन्स लंबे समय तक जवान रहने के लिए लोग पैसा खर्च करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्त, प्रिवेंशन डिजीज, रोगों से बचने के लिए। और हम आपको बताएं, आज डॉक्टर लीन पिछले 28-30 सालों से ये बता रहे हैं कि रोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या हम सबको क्या करना चाहिए। अगर रोग से बचना है तो हमको क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन डिजीज। ये तीन मुख्य कारण है दोस्तों वेलनेस इंडस्ट्री का। ये तीन क्षेत्र में जो भी चीज काम करेगी, जो भी सेक्टर, जो भी वस्तुएं काम करेंगी, जो भी इंडिविजुअल काम करेंगे, जो भी इंस्टीट्यूशन काम करेगी, वो बहुत बड़ा बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो वेलनेस रिवोल्यूशन है या स्वास्थ्य की क्रांति है, इस क्रांति के बारे में बताया गया है कि इस धरती पे आज तक जितनी भी क्रांतियां हुई है, ये सभी क्रांति के माँ है, मतलब बहुत बड़ी क्रांति है। अभी तक जितनी भी क्रांति हुई है सब बिलियन डॉलर में है, बिलियनियर है इस दुनिया में, मगर ये स्वास्थ्य की जो क्रांति है ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। और यहाँ से लोग ट्रिलियन ट्रिलियनियर बन के निकलेंगे, अभी तक बिलियनियर निकल रहे थे, इस इंडस्ट्री से ट्रिलियनियर बन के निकलेंगे। ये तीन चीजों पर आपको फोकस करना होगा, लुक बेटर, स्लो डाउन एजिंग और प्रिवेंशन डिजीज, रोगों से बचने के लिए। अभी तक हमारा जो समाज था, हमारा जो सोसाइटी था, वो क्या करता था, जब रोग लग जाता था तब उसको दवा कराने की चिंता होती थी, तो चोट लग जाने पे उसको टेंशन होती थी, मगर अब जो जमाना है वो बदल रहा है। अब जो जमाना है वो बदल रहा है, जमाना चेंज हो रहा है। अब लोग जो है वो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, रोगों से बचने के लिए पैसा खर्चा करेंगे, ताकि मुझे रोग ना लगे। और वेलनेस इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, इसका तीन जो मेन फोकस है वेलनेस इंडस्ट्री का, यही है दोस्तों, यही है। और आप तब अपने डिएक्शन को जब कनेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि डिएक्शन का रोल क्या होता है, तो हम उसको आगे समझेंगे। इसी के साथ, अब इस इंडस्ट्री में अगर हमको पार्टिसिपेट करना है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आई है, आपने देखा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 3 गुण बड़ी इंडस्ट्री है, ये भी हम लोगों ने देखा। अब इस इंडस्ट्री में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में हम पैसा कैसे बना सकते हैं, या हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, या हम पैसा कैसे छाप सकते हैं, या हम पैसे का पाइपलाइन कैसे बिछा सकते हैं, इसका तीन रास्ता है, इसका तीन चॉइसेस है। पहला जो चॉइस है, प्रैक्टिशनर बन के हम इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री को हम प्रैक्टिशनर बन के कर सकते हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरर बन के कर सकते हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटर। वेलनेस इंडस्ट्री में इन क्षेत्र में इसकी विशेष भूमिका है। तो इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए तीन मुख्य जो रास्ते हैं वो हमारे पास है। एक है प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ एक व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है और वो फिर वो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिशनर बनना, आइए इसको थोड़ा डीप समझते हैं। प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत होती है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, आप पढ़े लिखे हैं, आपका क्वालिफिकेशन देखा जाता है, तभी आप प्रैक्टिशनर बनेंगे दोस्तों। लेकिन प्रैक्टिशनर होना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, या पढ़ने का जब समय था पढ़ नहीं पाए, बहुत सारा वजह था, बहुत सारा कारण था, हम पढ़ नहीं पाए। तो प्रैक्टिशनर अगर कोई बनता इस क्षेत्र में वेलनेस इंडस्ट्री का, तो वो भी पैसा कमा सकता है। दूसरा बात आता है आपका मैन्युफैक्चरर। आप कोई प्लांट लगाते हैं, कोई कंपनी लगाते हैं जो वेलनेस करने वाला प्रोडक्ट बनाती है, जो लोगों को हेल्थ देने के लिए काम करती है, जो लोगों को हेल्थी रहने में मदद करती है, ऐसा अगर आप करते हैं तो भी आप इसमें पैसा बहुत ज्यादा बना सकते हैं। मगर दोस्तों ये भी हर व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि
क्योंकि मैन्युफैक्चरर बनाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर लीम हम सब के गुरु, हम सब के अपलाइन या हमारे कंपनी के सीईओ डॉक्टर लीम ने तेलंगाना में जो 250 एकड़ में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया 250 करोड़ का, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा सोचते भी नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर भी हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, हर व्यक्ति इसको आसानी से कर नहीं सकता, हर व्यक्ति मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकता, हर व्यक्ति प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, इसीलिए ये सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन तीसरा जो मामला होता है, जो तीसरा चीज होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है दोस्तों, ये इसमें हर व्यक्ति शामिल हो सकता है। और इस चैनल को अगर देखा जाए, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा पैसा बढ़ता है, जहाँ सारी दुनिया पूरे पैसा में घूम रही है, पूरा दुनिया का पैसा बढ़ता है, उस जगह का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन से, जहां से प्रोडक्ट का चैनल शुरू होता है, जहां से प्रोडक्ट मूव करता है कंपनी के पास, वहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। और हम आपको बताएं, एक साल में जो सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बढ़ाने के लिए या सहज करने के लिए टीवी में जो एड आता है दोस्तों, 200 बिलियन US डॉलर का था, 200 बिलियन US डॉलर का सिर्फ एडवर्टीजमेंट आता है टीवी में प्रचार। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी हो जाए। इतना बड़ा अमाउंट जो होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैलाने में मतलब खर्च होता है, एक्सपेंसेस होता है। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटर बनने का भी दो रास्ते हैं आपके पास है। पहला तरीका है कि आप ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। दूसरा जो तरीका है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। पहला तरीका है कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, या दूसरा तरीका जो है आपके पास, मल्टी लेवल मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाए। अब ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर की बात अगर की जाए, जैसे कि हमारे गांव में, घर में, समाज में आपने देखा होगा, कोई पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई कोला का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब तरह तरह के डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आप जो है, जैसे कि हिमालय का कोई डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं, कोई पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं, कोई गोल्ड जिम का ले सकते हैं, कोई न्यूट लाइफ का ले सकते हैं, कोई वीएस, मतलब ये तरह, ये जो कंपनी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कंपनी भी वेलनेस सेक्टर में काम करती है, ये भी लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करती है। मगर ये क्या है, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लेने के लिए आपको बहुत बड़ा रकम की जरूरत होती है, बहुत बड़ी पैसे की जरूरत होती है, एक जगह लेना होता है, वो भी एक अच्छा खासा जगह होना चाहिए, आपको अनुभव होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होने चाहिए, आपके पास मेन पावर होना चाहिए। इसके साथ साथ में आज के मार्केट में जो सबसे बड़ा, जो बहुत बड़ा, जो ये कंपटीशन है, कंपटीशन को लड़ने के लिए, कंपटीशन को हैंडल करने के लिए, या फिर आपको जो लॉसेस है, जो घाटाएं हैं, उसको सहने का क्षमता, वो जिगर आपके पास है, तो आप ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं दोस्तों। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर लेना बहुत ही मतलब कठिन काम है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होता है, बहुत बड़ी लगानी करनी होती है, उसके लिए आपको जगह देखना होता है, एक पर्टिकुलर जगह हो, जो जगह मतलब पॉपुलर जगह हो, ताकि आसानी से आदमी उसको समझ पाए। तो ये बहुत सारे रास्ते हैं जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर का। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर था, ये बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी तरीका से ये डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है बहुत ही इजी वे में काम करता है। अगर इसको हम बात करें मल्टी लेवल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सबसे रिफाइनमेंट जो फॉर्मूला है, वो है आपका मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या सिस्टम। जैसे कि अगर आपको बात की जाए, कम्युनिकेशन का सबसे जो परफेक्ट साधन है, जो रिफाइंड मतलब ये साधन आपका है, इस जो टूल जो है आपका, वो है मोबाइल। पहले मोबाइल बहुत बड़ा मोबाइल फोन हुआ करता था, पहले बहुत बड़ी बड़ी कंप्यूटर होती थी, आपको फोटो खींचने के लिए अलग जाना होता था, मैसेज करने के लिए अलग जाना होता था, फोन करने के लिए अलग जाना होता था। मगर इसका रिफाइनमेंट हो गया, क्या हुआ कि एक मोबाइल में उसको तब्दील कर दिया गया, और वो आज संचार का बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही बेहतरीन साधन माना जाता है दोस्तों। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रणाली होता है, उसमें सबसे बेस्ट रिफाइनमेंट होके आया है जो नया सिस्टम, उसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इस सिस्टम में जब हम आप लोग आ जाते हैं, इस बिजनेस में जब हम लोग जुड़ जाते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारे लोग सलाह देने के लिए मिल जाए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं, आपको समझाते हैं कि
बाबू आप कहाँ फंस गए हैं, कहाँ चले गए हैं, और सबसे खास बात हम लोग सलाह भी किससे लेते हैं तो जिंदगी में इसके बारे में ना सुना हो, जो इसका यम भी ना जानता हो, जिसका यल भी नहीं जानता हो, इसका डी भी नहीं जानता हो, ऐसे व्यक्ति से हम सलाह लेते हैं, मामा से, मामी से, मौसा से, फूफा से, काका से, काकी से, भतीजा से, तरह तरह के लोगों से हम लोग क्या करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग का सलाह लेते हैं। दोस्तों अगर आपको सलाह ही लेना है तो ऐसे लोगों से लीजिए जो अपने सेक्टर में दिग्गज है, तो अपने सेक्टर में दिग्गज है, जिनके बाद किसी का नाम ना आता, ऐसे लोगों का जब आप सलाह लेते हैं दोस्तों तो आपको निश्चित मल्टी लेवल मार्केटिंग में सफलता मिलती है। अगर आपको सलाह ही लेना है तो आप बिल गेट्स से सलाह लीजिए। बिल गेट्स ने क्या कहा, अगर मुझे ये सारी चीजें, अगर मेरा सबसे अगर फिर से स्टार्ट करना हो, अगर ये जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया है, अगर इसको फिर से अगर मुझे स्टार्ट करना हो दोस्त, तो मैं चूज करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग। और हम अपने चाचा से, भतीजे से सलाह लेते हैं, वो बोलते हैं आप तो फंस गए भैया, आप तो गलत जगह पे जा रहे हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब आप खत्म हो गए, आप नामो निशान मिट जाएगा, इस तरह से लोग आपको सलाह देते हैं। मगर दुनिया के जब दिग्गजों की बात करेंगे, जैसे लोगों की अगर बात करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या होता है, नेटवर्क बिजनेस का पावर क्या होता है, और मुझे अगर मौका मिले तो मैं भी ऐसा बिजनेस को चूज करना चाहूंगा। अगर बिल गेट्स जैसे आदमी को अगर ये बात समझ में आती है दोस्तों, तो आपको समझना है कि आप क्या कर सकते हैं इस बिजनेस में आगे। इसी की तरह आपको अगर सलाह ही लेना है तो आप रॉबर्ट टी क्यूआर से सलाह लीजिए, इन्होंने किताब ही लिख दिया है 21st सेंचुरी बिजनेस, 21वीं सदी का व्यवसाय। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि 21वीं सदी में किसका व्यवसाय है, कौन सा चीज है जिस जो पूरी दुनिया अडॉप्ट करेगी, जो पूरी दुनिया के लोग अडॉप्ट करने वाले हैं, ऐसा बिजनेस के बारे में लिखा उन्होंने रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। किताब को आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 21वीं सदी में अगर सफल होना है, सफल व्यक्ति बनना है, सफल इंसान बनना है, नाम पैसा दान इज्जत सम्मान सब बनाना है, तो आपको नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, नेटवर्क बिजनेस में आपको हिस्सेदारी लेना चाहिए। ये बात बोलते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही ग्रेट व्यक्ति है, बहुत ही महान व्यक्ति है, और बहुत ही मशहूर मशहूर इन्होंने किताब लिखा हुआ है, और आज तक इन्होंने जितना भी किताब लिखा हुआ है सब हिट गया है, और इस दुनिया में इतना भी रईस और अमीर आदमी है, ऐसा कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं होगा जो इनको ना जानता। तो ये इतने पावरफुल व्यक्ति हैं। अगर आपको सलाह ही लेना है तो बिल क्लिंटन जैसे व्यक्ति से सलाह लीजिए। इन्होंने क्या कहा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है, ये हर व्यक्ति को बराबर का मौका देती है, हर उम्र हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है कि अपना भाग्य, अपनी किस्मत, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल लीजिए, सबको बराबर मौका मिलता है मेरे दोस्त। मगर अगर आप इसी बात को देखा जाए हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे घर में, तो क्या सबको बराबर मौका मिलता है? नहीं मिलता है। वहां जब पहले तो जात देखा जाता है, दूसरा कलर देखा जाता है, फिर पहुंच देखी जाती है, फिर वो किस खानदान से, ये सारी चीजें देखी जाती है दोस्तों, फिर उस व्यक्ति को काम मिल लिया जाता है। मगर नेटवर्क बिजनेस ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी व्यवसाय है जहाँ हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, और इसे लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और ये बात बोलते हैं बिल क्लिंटन। और हम अपने चाचा से जब सलाह लेने जाते हैं, वो बोलते हैं कि भैया आप तो फंस गए हैं। बिल क्लिंटन समझिए कौन है, आप लोग जानते हैं, इनके बारे में मैं ज्यादा बात ना करूंगा। अगर आपको सलाह ही लेना है तो विवेक बिंद्रा साहब से लीजिए, ये किसी भी नेटवर्क कंपनी में नहीं जुड़े हुए हैं, किसी नेटवर्क कंपनी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, ये दुनिया मतलब पूरे यूट्यूब पे छाए हुए हैं, ये बहुत कम समय में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिए। आज तक इन्होंने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया ट्रेनिंग को लेके, 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, समझिए कितने, 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए विवेक बिंद्रा साहब ने। उन्होंने क्या बताया, नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो माहौल होता है, इसका जो मौसम होता है, बहुत ही पॉजिटिविटी होता है। उन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि अगर मेरी भी कोई संतान होगी तो मैं भी उसे MLM जरूर कराऊंगा, उसको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊंगा। और हमारे पापा जी, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे मामा जी बोलते हैं कि तुम तो फंस गए भैया, विवेक बिंद्रा साहब को क्या पड़ी है, उनको पैसे की अभाव है? नहीं है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय की, इस समय की जो जरूरत है लोगों को, जो सबसे बेहतर चीज है वो MLM है, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप वाकई में एक बहुत सफल इंसान बन सकते हैं, ये पावर देता है MLM बिजनेस। तो विवेक बिंद्रा साहब को आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो अपने संबंधित अपलायंस से आप मिलिएगा और उनसे पूछिए, इस वीडियो को जरूर देखिए, उन्होंने कहा है कि
अगर मेरी भी संतान होगी तो मैं उसको नेटवर्क बिजनेस जरूर ज्वाइन कराऊंगा। क्यों? वो सफल हो या विफल हो जाए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस बिजनेस में जाने के बाद में इंसान को इंसान बनने का मौका मिलता है, एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिलता है। और सबसे खास बात, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है वहां का जो माहौल होता है वो बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। आपको सलाह ही लेना है, ये फिक्की से समझिए। फिक्की ने क्या बताया कि 2025 तक ये जो बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, वो 64,500 करोड़ का होगा। कितना? 64,500 करोड़ का जो बिजनेस बढ़ेगा 2025 तक, और ये बिजनेस धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, 64,500 करोड़ से फिर वो 7,500 करोड़, इस तरह से धीरे धीरे वो बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही जाएगा। और आप जानते हैं कि फिक्की इंडिया के बहुत बड़ी एक मैनेजमेंट संस्था है जो इस तरह का कारोबार करती है। तो 64,500 करोड़ में आपको हिस्सा मिला हुआ दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसको सोने में गुजार दीजिए, या फिर इसी समय को सोना बनाने में गुजार दीजिए। अगर मान लिया जाए 64,500 करोड़ का मार्केट है, लगभग लगभग 64,500, अगर एक आदमी अगर 1,000 करोड़ की अगर बात की जाए तो 64,500 करोड़ डायमंड्स अगर बनते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पावर आपको समझना है। इसी के साथ, आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारत में अमेरिका के बाद दूसरा जो यूनिवर्सिटी खुला है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई का, वो भारत में खुला है, जो आप सभी लोग जानते हैं सोलोनी यूनिवर्सिटी है जो नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करवा रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इसका 3 सेमेस्टर है, पीजी है, फिर एमए है, फिर पीएचडी है। आपको 3 सेमेस्टर की इसका पढ़ाई है। ये पढ़ाई अगर आप कर लेते हैं तो आज हम बिना पढ़े कर रहे हैं, यही काम करने के लोगों को पढ़ने के पढ़ के आना होगा, लाखों रुपया खर्च करके आएंगे। और जब ऐसे लोग पढ़ के दुनिया में आएंगे तो क्या खोजेंगे, यह समझिए। जब पढ़ लिखे कोई व्यक्ति आता है तो ऐसे लोग एक रियल कंपनी, एक रियल प्रोडक्ट, एक रियल अपलायन, एक रियल ऑनर, एक रियल चीज खोजेंगे। तब उनको समझ में आएगा कि डीएक्सएल का महत्व क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि डीएक्सएल का पावर क्या है। अब इंडिया ने जो शुरू किया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई, जो पीजी डिप्लोमा जो डायरेक्ट सेलिंग का है, वो 1.5 लाख टोटल फी है इसका, और इसका समय जो है वो 1 साल का है फुल टाइम, और इस कोर्स का नाम है पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। अगर एक कोर्स आप करते हैं तो इसके बाद में आता है आपका एमबीए, उसके बाद में आता है पीएचडी। ये सारी जो कोर्सेस है ये लंच हो गई है दोस्तों पढ़ाई के लिए, और आज लोग इसको पढ़ रहे हैं और इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, मगर यही पढ़ाई आज हम आप सभी को फ्री में पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी को ध्यान देना है, ये लोग जब पढ़ के इस दुनिया से आएंगे, या आप ही के गाँव के, आप ही के घर से लोग इसको पढ़ के जब वहां से लौट के आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम किस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और हम किस बिजनेस में जुड़े हुए हैं और हमारा क्या पावर है या हमारा क्या राइट्स है। MLM क्यों कोई ज्वाइन करता है, या कोई व्यक्ति MLM को क्यों ज्वाइन करता है, या MLM हम क्यों करते हैं? तो उसका सबसे पहला जो कारण है, एक छोटा इन्वेस्टमेंट, एक कम लागत में आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में। मतलब गांव घर की अगर बात की जाए तो गांव घर की महिलाओं के पास जितना, मतलब पटुए में पैसा होता है, जिनका गले में जो पैसा होता है, जो बचत हुआ पैसा होता है, उतना ही पैसे से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। MLM चूज करने का सबसे जो फर्स्ट पहला जो मंत्र है वो है इनिशियल, मतलब एक छोटा इन्वेस्टमेंट, एक कम लगाने में भी इस बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हैं। छोटे 5,000, 7,000, 2,000, 3,000, 10,000 के लगाने से भी इस बिजनेस को आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, और छोटी लगाने से आप एक बहुत बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ा इनकम लेवल बिल्ड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में दोस्तों, लीवरेज के लिए आदमी MLM को ज्वाइन करता है। लीवरेज का मतलब क्या होता है, छोटे 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 कामों से जो होता है कि हम सभी लोग एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा पावर हमको मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ देख रहे हैं आप एक छोटे इमेज है, तो लीवरेज का मतलब क्या होता है कि आप छोटी 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 एक्शन से बहुत बड़ा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। एक छोटा छोटा मूवमेंट से, एक छोटा छोटा एक्शन से एक बहुत बड़ा आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अगर इसको अच्छे ढंग से समझना है तो आपको इस इमेज को जरूर समझना है। जैसे कि गाड़ी पंचर हो गई है, अब इस गाड़ी को अगर हम अकेले उठाएंगे तो ये संभव नहीं है, मगर इसका एक छोटा सा जेक लगा दिया आपने, एक छोटा सा सिस्टम लगा दिया, तो इसको आसानी से आप थोड़ी सी मेहनत में भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट, मतलब बहुत बड़ी हैवी गाड़ी को भी आसानी से उठा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति MLM ज्वाइन करता है कम लागत में शुरू करने के लिए और लीवरेज के लिए, मतलब कम मेहनत में भी बहुत बड़ा रिजल्ट हासिल करने के लिए दोस्तों, इसलिए कोई भी व्यक्ति MLM को ज्वाइन करता है।
समय की आजादी के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए। आज देखा जाए दोस्तों, आपके साथ में बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मित्र होंगे जो महीना का लाख रुपए भी कमाते होंगे। उससे जाके पूछो, भैया आनंद है जीवन में, फ्रीडम है, पैसा तो एक लाख आ रहा है, नो प्रॉब्लम। जिंदगी में फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है दोस्त, फ्रीडम नहीं है उनके जीवन में। मगर फ्रीडम नहीं है ऐसे लोगों के जीवन में। तो आपको सिंपली क्या समझना है कि फ्रीडम के लिए बात करना है, फ्रीडम होना बहुत जरूरी है इंसान के जिंदगी में, आजादी होना जरूरी है। तो आजादी के लिए कोई भी व्यक्ति MLM को ज्वाइन करता है, आजादी मिलता है उसको इस बिजनेस से, आजादी मिलता है, फ्रीडम होता है उसको, समय का पाबंद नहीं रहता है, वो धीरे धीरे इस सिस्टम को जिस तरह करता जाता है उस तरह से उसको आजादी मिलती है दोस्तों। आज बहुत सारे लोग पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, मगर समय ना मिलने की वजह से, समय नहीं होने की वजह से आज बहुत ही दुखी है, बहुत ही पीड़ित है, बहुत ही परेशान है। इसी के साथ साथ में दोस्तों दूसरा होता है रॉयल्टी इनकम के लिए। रॉयल्टी इनकम एक ऐसी इनकम होती है दोस्तों जो सबको नहीं मिलता है। पहला तो उसको मिलता है जो बहुत बड़े राइटर होते हैं, लेखक, रॉयल्टी इनकम उनको मिलता है। दूसरा साइंटिस्ट को मिलता है। तीसरा जो होता है जो नेटवर्क बिजनेस करते हैं या MLM बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलता है। लेकिन सबसे चैलेंज की बात यह है कि बहुत सारे लोग रॉयल्टी इनकम की बात करते हैं, आपके सामने हजारों कंपनियों के लोग आते हैं जो रॉयल्टी इनकम की बात करते हैं, मगर जब आपका रॉयल्टी इनकम आने का टाइम होता है वो कंपनी ही चली जाती है। तो दोस्तों ऐसे अवस्था में, ऐसे समय में अगर आपको रॉयल्टी इनकम चाहिए तो आपको सोच समझ के कंपनी को सिलेक्शन करना होगा, सोच समझ के कंपनी को चूज करना होगा। अगर सोच समझ कर कंपनी को चूज करते हैं तब आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग रामायण देखते हैं, तो रामायण को जिसने लिखा था उस व्यक्ति का नाम है, वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, उनका नाम है रामानंद सागर। रामानंद सागर जी ने रामायण को लिखा हुआ था और एक एपिसोड का चलाने के लिए लगभग उनको 2 लाख रुपया चाहिए, मतलब एक एपिसोड को चलाने के लिए लगभग 2 लाख रुपया उनको मिलता है। ये है रॉयल्टी इनकम। जब कोरोना काल का समय आया था दोस्तों तो लोग लगा कि अब रामायण को चलाना चाहिए ताकि जो है कि लोगों को मन में दहशत ना हो, डर ना हो। और जब उनके परिवार से पूछा गया कि आपको अब रॉयल्टी देना पड़ेगा, हम लोग तो इसको चलाएं कि ना चलाएं, तो उन्होंने वो लोगों ने बताया कि हमको रॉयल्टी नहीं चाहिए, अभी इस चीज की जरूरत है। तो ऐसा जो पावर होता है, ये सब लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा प्रोडक्ट के साथ काम करना होगा। तभी मिलेंगे आप, तभी मिलेगा जब आप एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे। अगर अच्छा कंपनी अच्छा प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे तो ऊपर के सारे कुछ मिलेंगे। अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो मैं ये लिख के देता हूँ कि जब तक आप वहां तक पहुंचेंगे या तो कंपनी ही गायब हो जाएगी या आप खुद ही गायब हो सकते हैं। तो एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा प्रोडक्ट का चुनाव करें तो आपको ये सारे कुछ, सारी सुविधाएं, सारी सब कुछ, ये सब आपको मिलने वाली है। इसी के साथ में अगर इसके विषय में बात की जाए, अच्छा कंपनी और अच्छा प्रोडक्ट की बात की जाए, तो पूरी दुनिया में यूनिक कंपनी है DXN। और आप यहाँ भी हैं, DXN के लिए एक बार जरूर टोटा चलिए जाए, क्योंकि यूनिक कंपनी मतलब ये ऐसी कंपनी है इसके जैसा दुनिया में कोई कंपनी नहीं, अद्वितीय कंपनी है। जैसे गौतम अलौकिक है, अद्वितीय है, मिराकल है, उसी तरह से पूरी धरती पे DXN एक ऐसी कंपनी है जिसके जैसा कोई नहीं है दोस्तों, इसके जैसी कोई कंपनी नहीं है। अब आप समझिए इसको क्यों, क्योंकि न्यूनतम बिजनेस में इसको लागे, मतलब कम से कम लागत में इस बिजनेस को हम शुरू कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान का डर नहीं है। इस बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं, इसमें नुकसान होने का कोई डर भी नहीं है। और अगर आमदनी की बात करें, कमाई की बात करें, इसका कोई लिमिटेशन भी नहीं है दोस्तों। इसमें न्यूनतम लागत है, नुकसान का कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है। और आमदनी की बात करें, इससे इसमें इतना आप पैसा कमा सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं दोस्तों कि इसका कोई सीमा नहीं है। DXN की अगर बात की जाए, पिछले 28 से 30 सालों में DXN 200 से ज्यादा देशों में अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने सिस्टम को बिल्ड करा है। और आज लाखों लोग DXN की जो सिस्टम है उसका आनंद ले रहे हैं, लाखों लोग इससे इनकम कर रहे हैं, लाखों लोग अपनी सेहत में सुधार ला रहे हैं, लाखों लोग जो अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। और पिछले 28 से 30 सालों में DXN जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो ये आपको समझना है दोस्तों। इसलिए अगर बात की जाए तो DXN एक दुनिया का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ा ब्रांड है। DXN बहुत ही बड़ा ब्रांड है, 200 से ज्यादा देशों में है। और अगर पिछले हम लोग इसे अगर रिकॉग्निशन की बात करें तो DXN 15th रैंक पे था पिछला जो हमारा था, कि उसके बाद में DXN ने IDSA में पार्टिसिपेट, मतलब
और WFP से मैं पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि डॉक्टर लिंग ने हम लोगों को बोध गया में बताया था कि जब ये सेशन हमारा रैंक बढ़ने लगा तो बहुत सारे लोगों ने हमसे मतलब ये डिमांड करने लगे कि ऐसा करो ऐसा करो, दुनिया भर का मतलब टर्चर होने लगा। तो डॉक्टर लिंग ने बताया कि इसलिए हमने जो इसको पार्टिसिपेशन करना ही बंद कर दिया। अब जब डॉक्टर लिंग ने बताया तब उस समय हम लोग 15 रैंक पे थे और डेसन दोस्तों वर्ल्ड का बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बेस्ट बहुत ही बड़ी ब्रांड है। वर्ल्ड क्लास लेवल पे अगर बात की जाए तो इसका जो प्रोडक्ट की अगर बात की जाए पूरी दुनिया में मान्य है। डिक्शन का प्रोडक्ट की बात की जाए, डिक्शन स्पिरुलिना की अगर बात की जाए तो आज भारत में इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ था अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में, आप सभी लोग जानते हैं। तो प्रोफेसर वसुपाल साहब ने लगभग 10 लाख रुपए का बराबर का स्पिरुलिना डोनेट किया था उन्होंने, जो छोटे छोटे बच्चों को जो खाना कम मिला था, कम बच्चे को 1 ग्राम स्पिरुलिना लगातार देने से क्या ग्रोथ होती है इसके ऊपर रिसर्च हुआ था। ये क्लिनिकल ट्रायल था डिक्शन स्पिरुलिना का। तो और सबसे खास बात, दुनिया की सबसे बड़ी ग्लियोडर्मा कंपनी है डीएक्सएन, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लियोडर्मा कंपनी है। आप मेरी बातों पे भरोसा ना करें, आप गूगल पे जाकर सर्च करें वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लियोडर्मा कंपनी कौन सी है, तब आपको पता चलेगा कि वो कंपनी का नाम क्या है। दुनिया की सबसे बड़ा ग्लियोडर्मा कंपनी कौन है, हम डीएक्सएन वाले हैं। डीएक्सएन दुनिया की सबसे बड़ी ग्लियोडर्मा कंपनी है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल कंपनी है ग्लियोडर्मा कंपनी जो है डीएक्सएन का सबसे बड़ी कंपनी है। पूरी दुनिया में इसका बोलबाला है आज। और हमारे फाउंडर डॉक्टर डॉक्टर लिम सुजिन वहां उनके लिए जोरदार तालियां। जैसे कहा जाता है कि इंडिया में भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है तो डॉक्टर लिम को मलेशिया गवर्नमेंट ने भारत रत्न जिस तरह का अवार्ड होता है, जितना सम्मान दिया जाता है भारत का मतलब मलेशिया का जो गवर्नमेंट है उनको वही सम्मान तातु के नाम से दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर लिम कितने महान व्यक्ति हैं, कितने ग्रेटेस्ट इंसान है, कितने महान है, आप समझ सकते हैं। और इन्होंने डिएक्शन को एस्टेब्लिश किया, डॉक्टर लीम ने हम सबको डिएक्शन इंट्रोड्यूस कराया, इसके लिए डॉक्टर लीम को ग्रेट सल्यूट है और हम उनके आभारी हैं, मतलब आभार प्रकट करते हैं और थैंक्स भी करते हैं। अगर डॉक्टर लीम ना होते तो आज लाखों लोग जो है बेरोजगार, लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, लाखों लोगों को कमाने का मौका दिया, लाखों लोगों अपने सेहत को सुधार करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और आप सब जहाँ भी है डॉक्टर लीम के एक बार जोरदार जरूर ताली बजाएं। इसी के साथ में हम बात करें जो हमारे बिजनेस को मार्गदर्शन करें, जो हम लोगों को बिजनेस को करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं भारत के फादर ऑफ नेटवर्क प्रोफेसर KN वसुपाल और डॉक्टर रत्ना वसुपाल, ये दो लोग जो हैं इनको भारत का माता और पिता माना जाता है नेटवर्क की दुनिया में। ये लोग हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप इनका डिग्री दिखा सकते हैं लोगों की, देखिए इतना क्वालिफाइड पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है हमको सिखाता है, हमको पढ़ाता है, हम ऐसे लोगों से पढ़ते हैं। और जब आप ये बात किसी भी व्यक्ति को बताएंगे ना उसको समझ में आएगा कि डिएक्शन का महत्व क्या है, अब पावर क्या है। डॉक्टर रत्ना वसुपाल अमेरिका से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, प्रोफेसर KN वसुपलैया MA MPhil हैं और ये अपने क्षेत्र में जहाँ थे ये HOT थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और ये वाइफ एंड हस्बैंड बहुत डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं दोस्तों। सोचिए एक गोल्ड मेडलिस्ट आदमी जब डिएक्शन को क्लियर कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप लोग कर सकते हैं, हम सभी लोग कर सकते हैं। इसी के साथ में डॉक्टर एस रंजन की अगर बात की जाए तो डॉक्टर रंजन जो है भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति के पर्सनल फिजिशियन भी रह चुके हैं और ये ऑल इंडिया हार्ट एसोसिएशन के जो है वो SOT भी हैं। और इनकी लिखी किताब, इनके पढ़े सुनाए गए लेक्चर से बहुत सारे नौजवान जो आज के हार्ट मोटू रोग के जो मतलब डॉक्टर बने हुए हैं, इनके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज कार्डियोलॉजिस्ट हो गए हैं। और डॉक्टर रंजन इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आप क्यों नहीं कर पाते हैं? आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जब रंजन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब रंजन डॉक्टर रंजन को ये इस बात का गर्व है कि हम जेक्शन मेंबर हैं तो आपको भी उससे ज्यादा गर्व होना चाहिए कि आप भी जेक्शन के मेंबर हैं। ये लोगों दोस्तों दिखाइए, अपने लोगों को दिखाइए, अपने गांव वालों को देखिए, देखिए इतना पढ़ा लिखा आदमी तो पूरी दुनिया में लेक्चर देता है मोटू के ऊपर, डॉक्टर मतलब दिल को कैसे हेल्थी रखना है, अपने दिल का स्वास्थ्य कैसे रख सकते हैं। रंजन बोलते हैं कि 1 पेयर RGGL आ डे या कार्डियोलॉजिस्ट अभी मतलब अगर रोजाना 1 पेयर RGGL आप लेते हैं तो दिल का बीमारी आपको कभी नहीं होगा, ये डॉक्टर रंजन बोलते हैं। और ये बहुत बड़े मोटू रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रंजन, आप सभी लोग जानते हैं। उसी के साथ में डॉक्टर विपिन कोशी, आप डॉक्टर विपिन कोशी की अगर बात की जाए, आज कोरोना काल में पूरी दुनिया एक ही चीज की बात चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, इम्यूनिटी 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 बढ़ाओ। और हम आपको बताएं डॉक्टर विपिन कोशी ने एक किताब लिखा बियॉन्ड द मॉडर्न मेडिसिन, बहुत ही जबरदस्त किताब है दोस्तों। और अगर इपेन कोसी की बात हम करें तो भारत में अगर देखा जाए तो डॉक्टर कोसी जैसे बहुत ही गिने चुने डॉक्टर मतलब बहुत ही कम मात्रा में से डॉक्टर है। और डॉक्टर कोसी जो है डबल गोल्ड मेडलिस्ट इन इम्यूनोलॉजी, मतलब इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाते हैं ये
सब्जेक्ट में उन्होंने डबल गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है। और डॉक्टर दीपेन कोसी प्रोडक्ट रिटेल के दम पे ऐसे जगह पे बिजनेस बिल्ड कर लिया जहाँ टीशन था ही नहीं, जिस देश का नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया में ना तो डिक्शन था, ना डिक्शन कोई जानता था, ना वहाँ कोई सिस्टम था, मगर उन्होंने इंडिया से प्रोडक्ट मंगा मंगा के, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में रिजल्ट था, प्रोडक्ट में दम था, प्रोडक्ट में ताकत थी, प्रोडक्ट रिजल्ट अच्छा था। और इसके रिजल्ट के प्रभावित हुए डॉक्टर इफेन कोसी और नाइजीरिया में सिस्टम ओपन करवा दिया डॉक्टर इफेन कोसी ने। और हम आपको बताएं डॉक्टर कोसी जैसे डॉक्टर इंडिया में बहुत गिने चुने हैं, और इनको इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए कैसे बिल्ड किया जाता है इसके लिए इन्होंने डबल गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया हुआ है। तो दिखाइए अपने लोगों को, देखिए ऐसे ऐसे लोग इफेन को काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों के मार्गदर्शक में हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह अब रहा सवाल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि डीएक्शन में मार्केटिंग में प्लान आता है, पैसा आता है कि नहीं आता है, तो आप खुद देख लीजिए प्रोफेसर के एन वेजपाल धर्मशिला मैडम को, पैसा इनको नहीं आता है, इनको बहुत पैसा आता है। इसी के साथ में रोशन कुमार को देखिए, इनको भी बहुत पैसा आता है डीएक्शन सिस्टम से। उसी के बाद हमारे हम सब पे अप्लाई, आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। हमारे संजय पाल सर, उनके लिए जोरदार ग्रेट सलाम है सर आपको, आपने भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। इस मार्केटिंग प्लान से बहुत पैसा आता है दोस्तों, देखते रहिए आप। ये माधुरी जी है, आप लोगों ने इसका सेशन देखा होगा। एक ज्ञानमती जी हमारे बीच में, इनको भी बहुत सारा पैसा आता है डीएक्शन से। ऐसे बहुत लाखों लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनको डीएक्शन से बहुत सारा पैसा आज आता है। तो आप कोई डाउट नहीं है कि आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा, उसमें 100% पैसा आता है। आप सब लोग जानते हैं ये सभी लोगों को पैसा आया है, तो आपको भी पैसा आएगा, ये गारंटी है, 100% है। आप 100% सफलता मिलेगा, ज्ञानमती जी को भी पैसा आ रहा है। तो कहते हैं कि अगर क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब आपको चलना है अपने पैरों पर। याद रखिए इस बात को हमेशा, क्यों भरोसा करते हैं गैरों पर जब चलना है अपने पैरों पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी। थैंक यू सर।